हेलो, गुड मॉर्निंग। इन एनाटॉमी वी डिस्कस अबाउट टॉपिक पलाटाइन टॉन्सिल विच इज ए पार्ट ऑफ वाल्डियर रिंग्स। वाल्डियर रिंग्स और लिम्फेटिक्स रिंग, इट इज फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ द नेक। इस गर्दन में यहाँ पर ये रिंग पाया जाता है, जिसे सामान्य भाषा में हम टॉन्सिल कहते हैं, और इससे लगभग सभी मनुष्य अपने जीवन काल में कभी न कभी इससे आक्रांत होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। तो ये पलाटाइन टॉन्सिल क्या है इन एनाटॉमी? एनाटॉमी में हम देखेंगे कि पलाटाइन टॉन्सिल कहाँ पाया जाता है, इसका बाउंड्री, सरफेस रिलेशन एक्सेट्रा। सो पलाटाइन टॉन्सिल इज ए पेयर ऑफ ऑलमंड शेप मास ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। पलाटाइन टॉन्सिल इज ए मेंबर ऑफ ऑलमंड शेप मास ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। पहले ही आपको मैं बताया, ये लिम्फेटिक रिंग है, चेन है, जिसे वाल्डियर रिंग्स भी कहते हैं। सो पलाटाइन टॉन्सिल इज लिम्फॉइड टिश्यू, मास ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन आलमंड शेप। सिचुएशन ऑफ पलाटाइन टॉन्सिल, इच टॉन्सिल लोजेज इन ए ट्रेंगुलर टॉन्सिलस साइनस। ट्रेंगुलर टॉन्सिलस साइनस, ये अगर हम देखेंगे टॉर्च से गर्दन में, तो यहाँ पर इनर साइड में एक इधर और एक इधर, दोनों साइड में ये पाया जाता है। इस टॉन्सिल का बाउंड्री क्या है? बाउंड्री में हम देखेंगे आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों साइड से क्या होता है। सो इन बाउंड्री ऑफ पलाटाइन टॉन्सिल, इन फ्रंट इट रिलेटेड विथ प्लाटो फेरिंजियल आर्च। इन फ्रंट और इंटीरियरली इट इज रिलेटेड विथ प्लाटो ग्लोसल आर्च, प्लाटो ग्लोसल आर्च एंड प्लाटो ग्लोसल आर्च कंटेनिंग द करस्पॉन्डिंग मसल्स। इन बिहाइंड और पोस्टेरियर इट इज रिलेटेड विथ प्लाटो फेरिंजियल आर्च कंटेनिंग द सेम मसल। इन इंटीरियरली और इन फ्रंट इट इज रिलेटेड विथ द प्लाटो ग्लोसल आर्च एंड बिहाइंड प्लाटो फेरिंजियल आर्च। टर्म इज प्लाटो ग्लोसल, पलाटाइन टॉन्सिल एंड ग्लोसल मीन्स टर्न, ये दोनों मिलकर के जो आर्च बनाते हैं, और पोस्टेरियरली और बिहाइंड प्लाटो फेरिंजियल आर्च, पलाटाइन टॉन्सिल एंड फेरिंग्स। सो टर्म इज प्लाटो फेरिंजियल आर्च, इंटीरियरली प्लाटो ग्लोसल आर्च एंड पोस्टेरियरली प्लाटो ग्लोसल आर्च, प्लाटो फेरिंजियल आर्च। एपेक्स बाय द सॉफ्ट पैलेट वेयर मीट विथ आर्च। इस टॉन्सिल पलाटाइन टॉन्सिल का एपेक्स का फॉर्मेशन जो होता है, वो सॉफ्ट पैलेट का जहाँ यूनियन होता है आर्च से, और इसका बेस का निर्माण होता है बाय द डोर्सल सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टर्न। टर्न का जो इंटीरियर टू थर्ड एंड पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट है, तो पोस्टीरियर वन थर्ड टर्न के डोर्सल सरफेस से इसके बेस का निर्माण होता है। सो बाउंड्री ऑफ द पलाटाइन टॉन्सिल, इन फ्रंट प्लाटो ग्लोसल आर्च, बिहाइंड प्लाटो फेरिंजियल आर्च, एपेक्स बाय सॉफ्ट पैलेट वेयर मीट विथ आर्च एंड बेस इज फॉर्म्ड बाय द डोर्सल सरफेस ऑफ पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टर्न। लेटरल वॉल और टॉन्सिलर बेड इज फॉर्म्ड बाय द स्ट्रक्चर्स फेरेंजियो बेसिलर फेसिया, फेरेंजियो बेसिलर फेसिया, प्लाटो फेरिंजियस मसल्स एंड स्टाइलोग्लोसस मसल्स। सो लेटरल वॉल और टॉन्सिलर बेड इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। नंबर वन,
pharyngeo basilar arch, palato pharyngeus muscle and styloglossal muscle. Next is size of these tonsils. So in children, size of tonsil is enlarged and in adult it is diminished. बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, सर्दी खांसी उनमें ज़्यादा होती है, तो इस रिंग का काम है इन्फेक्शन से लड़ना, एक्ट एज वैरियर. सो इन चिल्ड्रेन साइज ऑफ पलाटाइन टॉन्सिल इज लार्जर और इनलार्ज एंड इन एडल्ट इट डिमिनिश्ड. प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ इच टॉन्सिल्स, इट प्रेजेंट सरफेस बॉर्डर इन. सो मेडियल एंड लैटरल सरफेस, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, अपर एंड लोअर इन. सो प्रेजेंटिंग पार्ट कंटेंस सरफेस बॉर्डर इन, मेडियल एंड लैटरल सरफेस, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर एंड अपर एंड लोअर इन. इन दिस डायग्राम यू सी पलाटाइन टॉन्सिल. इन सेंट्रली उभला इज विजिबल एंड जस्ट अबव द उभला सॉफ्ट पैलेट एंड डॉटेड स्ट्रक्चर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द पलाटाइन टॉन्सिल. फैक्टर कीपिंग द टॉन्सिल्स इन पोजिशन, कौन कौन से कारक है, कारण हैं जो टॉन्सिल को अपने जगह पर रखते हैं. सो फैक्टर्स आर नंबर वन, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ टॉन्सिल कनेक्टिंग इट विथ द टंग. सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द टॉन्सिल कनेक्टिंग विथ द टॉन्सिल. नंबर टू, अटैचमेंट ऑफ द प्लाटोफेरिंजियल एंड प्लाटोग्लोसल मसल टू द फाइबरस कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल्स. अटैचमेंट टू द प्लाटोफेरिंजियल एंड प्लाटोग्लोसल मसल टू द फाइबरस कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल. इन दिस वे टॉन्सिल मेंटेन इट्स ओन पोजिशन. स्ट्रक्चर ऑफ द टॉन्सिल, इट इज मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू एंड कन्वर्ट पार्टली बाई द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द ओरोफेरिंक्स. इन स्ट्रक्चर ऑफ दिस टॉन्सिल, इट इज मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू एंड कवर्ड पार्टली और पार्शियली बाई द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द ओरोफेरिंक्स. आर्टेरियल सप्लाई, द पलाटाइन टॉन्सिल इज सप्लाइड बाई फोर सेट्स ऑफ आर्टरीज, इंटीरियर टॉन्सिलर आर्टरी, पोस्टेरियर टॉन्सिलर आर्टरी, सुपेरियर टॉन्सिलर आर्टरी एंड इन्फीरियर टॉन्सिलर आर्टरी. दिज फोर ब्रांच ऑफ आर्टरीज गिव्स द आर्टेरियल सप्लाई और ब्लड सप्लाई टू द पलाटाइन टॉन्सिल. वेनस ड्रेनेज, द वेनस ड्रेनेज into the pharyngeal venous plexus through palatotonsillar vein. Lymphatic drainage, it drain into jugulodigastric lymph node. And nerve supply, the tonsil is supplied by glossopharyngeal greater and lesser palatine branch. It is supplied by the glossopharyngeal greater and lesser palatine branch. If we see embryology or development, each tonsil is developed from the ventral part of the second pharyngeal pouch. Palatine tonsil develops from ventral part of the second pharyngeal pouch. And last is the applied anatomy. So mainly two clinical conditions, tonsillitis and tonsillectomy. If tonsillitis not treated properly with the medicine and suppuration starts in maltreated cases,
then for prevention of the spread of the pus to neighboring organ, surgery is only one choice. So term is tonsillectomy. Applied anatomy of palatine tonsil is tonsillitis and tonsillectomy. So this is about palatine tonsil, in which we see the normal structure, definition, normal structure, definition, situation, boundary, size, presenting part, factors keeping the tonsil in position, structure of tonsil, arterial supply, venous drainage, lymphatic drainage, nerve supply, development, and applied anatomy. So this palatine tonsil we prepare especially for a student who appears for final BHMS or MBBS or BMS or other parametrical examinations, in which this question is covering about 10 to 15% marks. For 10 to 15% marks, we write answer in this way and prepare for examination purpose. In theory examination, your diagram contains 25% marks. Without diagram, your question is incomplete in anatomy. Question may be of 2 marks, 7 marks, or 5 marks, or 10 marks, or 15 marks, or 20 marks. So size of question depends upon different universities. All universities has own marks distribution or question pattern. Some universities has full marks 20, some has 15, some has 8 plus 7 is equal to 15, or notes in 5 marks. It depends upon individual university. So you try this answer as a sample paper. I will be prepare next video for you from next topic, may be related to bone or muscle. Thank you.